नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा कि आपने देखा होगा कि सीएससी में एक बहुत बड़ी सर्विस आने वाली थी जिसका नाम था जनरल टिकट बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, आप सीएससी के माध्यम से रेलवे की जनरल टिकट बुक करने वाले थे। तो दोस्तों, फाइनली वो सर्विस आपके सीएससी पोर्टल में आ चुकी है और आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके नजदीक में कोई रेलवे स्टेशन है और आप घर बैठे उसके जो है नॉर्मल टिकट बेचना चाहते हो और आप उस IRCTC का जनरल टिकट का जो है काउंटर खोलना चाहते हो, तो आप उसके लिए सीएससी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और जो है जनरल टिकट वहां पे बुक कर सकते हो और उन्हें बेच सकते हो। दोस्तों, मैं यहां पे उन टिकट की बात कर रहा हूं जो कि आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके लाइन में लग के लेनी होती है, वही टिकट आप अपने सीएससी सेंटर पे बेच सकते हो। तो दोस्तों, आपको रेलवे टिकट काउंटर खोलने के लिए क्या करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, कितने दिन में आपको मिलेगा, उसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में जानना या सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का जरूर देखते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इस हिंदी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, इससे क्या आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रेलवे जनरल टिकट काउंटर खुलने से पहले या फिर उसके लिए अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आना होगा आपको इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे क्लिक करके सीधे आप यहां पे आ सकते हैं। तो यहां पे देखिए आपको प्रक्रिया समझाई गई है और यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगी डायरेक्ट अप्लाई करने की। तो यहां पे देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए ये सर्विस क्या है, क्यों ये सीएससी के द्वारा चलाई गई है और इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और इसमें आपको कितने पैसे देने होंगे और यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करेंगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप एक एक करके यहाँ पे सब कुछ समझ लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक लिंक आपको दी है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डायरेक्ट वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ अप्लाई करने के लिए क्लिक करें। तो आपको क्या करना होगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं और सीधे अप्लाई के पेज पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, लिंक पर क्लिक करने के बाद सीधे आप इस पेज पे आ जाएंगे। अगर देखिए आपसे लॉगिन करने को बोलता है तो आप अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड से एक बार लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अनरिजर्वेड रेलवे टिकट बुकिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा, जहाँ पे देखिए आपको सर्विस के बारे में बताया गया है, इसके चार्ज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए जो वेबसाइट में लिखा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए आपको प्रोसेस के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए सीधे आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फॉर्म दिया गया है जिसपे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्वेड टिकट सिस्टम फॉर्म है ये, और यहाँ पे आप जो है फॉर्म को भरना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो ऊपर है सीएससी आईडी लिखा होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम देना है, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट चुनना है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक चुनना है और यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है। इसके बाद देखिए जो आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस डालनी है कि रेलवे स्टेशन से आपका जो सेंटर है वो कितनी दूर है, और ये मैक्सिमम 9 किलोमीटर तक हो सकता है। अगर आप यहाँ पे 10 किलोमीटर डालेंगे तो ये नहीं आएगा। मैं देखिए दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ तो नहीं आएगा, और अगर मैं 9 डालता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि आप 9 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ पे डिस्टेंस नहीं रख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना नियरेस्ट बीएसएनएल ऑफिस डालना है, कहाँ पे आपका बीएसएनएल ऑफिस है तो यहाँ पे आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ का एक आइडेंटिटी कार्ड चुनना है, आप आधार कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान रखें वो 100 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आप चॉइस फाइल पे क्लिक करके उसे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप अपलोड करेंगे उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप में आपको पेमेंट का प्रोसेस आएगा, आपको वो कंप्लीट करना है और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपकी जानकारी सीएससी के पास पहुंच जाएगी और सीएससी आगे इसकी प्रोसेस को बढ़ा देगा और जल्दी आपको इसका एजेंट बना दिया जाएगा और आप इसकी टिकट बेच पाओगे।
दोस्तों इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी सीएसई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको इसकी जानकारी दे देंगे। और दोस्तों जैसे ही हमारे पास इसकी और अधिक जानकारी आती है तो हम आपको एक और वीडियो बना के इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप एक और प्रोसेस समझा देंगे, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस योजना के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस योजना का लाभ ले पाएं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।